सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी AYC के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रेडमी के नोट 7 वर्सेस सैमसंग के M20 को एक दूसरे के साथ, और आपको देने वाले हैं पूरी स्पेसिफिकेशन इन दोनों फ़ोन के बारे में, और आपको देंगे इन दोनों की पूरी डिटेल इस वीडियो में। हालांकि सैमसंग M20 5 फरवरी को इंडिया में सेल होने के लिए जा रहा है, जिसका प्राइस है 13,000, और दूसरी तरफ रेडमी के नोट 7 का प्राइस 10,000 या 15,000 की रेंज में होने वाला। हालांकि ये इंडिया में लॉन्च अभी तक नहीं हुआ, ना कि सेल होने के लिए आया है, इस वजह से ये 10,000 या 15,000 की रेंज में ये भी फ़ोन आने वाला है। इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इन दोनों फ़ोन में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए 10,000 या 15,000 की रेंज के बीच में। चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ नीचे रेड बटन बजाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज हम कंपेयर करने वाले हैं रेडमी नोट 7 वर्सेस सैमसंग के M20 को एक दूसरे के साथ, और आपको देने वाले पूरी स्पेसिफिकेशन। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इन दोनों डिवाइस में आपको डिस्प्ले 6.3 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है फुल HD डिस्प्ले के साथ, और साथ ही साथ आपको एक वाटर ड्रॉप नोच का कैमरा भी देखने को मिल जाता है, सेल्फ़ी कैमरा, जो कि रेडमी का सेल्फ़ी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है, और दूसरी तरफ जो सैमसंग का है 8 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा देखने को मिल जाता है इस स्क्रीन के ऊपर। और दूसरी तरफ हम बैक की बात करें, आपको ग्लासी लुक देखने को मिल जाता है रेडमी में, और ग्लासी लुक की शाइनिंग भी आपको रेडमी में देखने को मिल जाती है, और दूसरी तरफ सैमसंग में आपको एक प्लास्टिक लुक देखने को मिल जाता है। हालांकि इतनी शाइनिंग नहीं दे रहा, पर ग्लास जैसा काम ये कर रहा है। और आपको इन दोनों में डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। और साइड की बात करें, आपको साइड में दोनों की तरफ आपको एक वॉल्यूम लॉकर और पावर लॉकर भी दोनों में देखने को मिल जाता है। और ऊपर की बात करें, आपको ऊपर में 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है रेडमी में। नीचे की बात करें, आपको USB Type-C केबल दोनों में देखने को मिल जाती है, और सैमसंग में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ। सबसे पहले हम इन दोनों के डिस्प्ले की बात करें, आपको डिस्प्ले 6.3 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है फुल HD के साथ दोनों ही फ़ोन में, और आपको वाटर ड्रॉप नोच भी देखने को मिल जाता है इन डिस्प्ले में, जो कि आपको गोरिल्ला ग्लास आपको मिलता है रेडमी के नोट 7 में, और दूसरी तरफ आपको सैमसंग की तरफ से आपको ड्रैगन डोल का ग्लास देखने को मिल जाता है डिस्प्ले में। अब इन दोनों के प्रोसेसर की बात करें, इनमें आपको रेडमी नोट 7 में आपको स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ सैमसंग में आपको सैमसंग की तरफ से एक्सोनस 7 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। हालांकि जो सैमसंग का प्रोसेसर एक्सोनस 7 और थोड़ा सा पुराना है, पर स्नैपड्रैगन 660 बड़े अच्छे से काम कर रहा है रेडमी नोट 7 में। अब इन दोनों के OS की बात करें, आपको रेडमी में एंड्रॉयड पाई का वर्जन देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ सैमसंग M20 में आपको एंड्रॉयड ओरियो का वर्जन देखने को मिल जाता है। हालांकि एंड्रॉयड ओरियो का वर्जन आपको सैमसंग में पुराना वर्जन देखने को मिल जाता है, पर रेडमी में आपको एंड्रॉयड पाई का वर्जन देखने को मिल जाता है। अब इन दोनों के बैटरी की बात करें, आपको सैमसंग में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और दूसरी तरफ आपको रेडमी में 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। हालांकि ये 13,000 की रेंज में सैमसंग का स्मार्टफोन आता है M20 5000 की बैटरी वाला। अगर रेडमी का 10,000 या 15,000 की रेंज में ये फ़ोन स्मार्टफोन आता है रेडमी नोट 7, ये 4000 mAh की बैटरी वाला है। अक्सर आप ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हो, आपके लिए सैमसंग का M20 बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अब इनमें स्टोरेज की बात करें, इन दोनों में आपको 4GB रैम प्लस 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ आप इन दोनों में डुअल सिम लगा सकते हो विद मेमोरी कार्ड के साथ, पर जो कि सैमसंग में आप डुअल सिम विद मेमोरी कार्ड इकट्ठा लगा सकते हो, दूसरी तरफ आप रेडमी में सिर्फ एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, या मेमोरी कार्ड निकाल कर आप सिम लगा सकते हो। अब इन दोनों के बैक कैमरे की बात करें, आपको रेडमी नोट 7 के बैक कैमरे में आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ आपको सैमसंग में आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, और बैक में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है,
और साथ ही साथ आपको इन दोनों में फेस आईडी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बस इतना ही था इन दोनों की स्पेसिफिकेशन के बारे में। हालांकि Redmi Note 7 में आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिलता है और आपको स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है और आपको एंड्रॉयड पाई का भी वर्जन इसमें देखने को मिल जाता है। अगर यह 10-15 हज़ार की रेंज में आता है Redmi Note 7, यह सैमसंग को पक्का ही पीछे छोड़ देगा। आप सैमसंग M20 लेने के बारे में सोच रहे थे, मैं तो बस यही कहूँगा, आप थोड़ा सा इतना वेट किया है, आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। Redmi Note 7 के लॉन्च होने तक शायद आपको सैमसंग M20 से Redmi Note 7 बेहतर लगे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ नीचे रेड बटन में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मैंने कल बताया था हमारी वीडियो पर गिव वे चल रहा है, आज की भी इस वीडियो में गिव वे चल रहा है। और बस पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस इतना करना है, आपको हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करना है इन दोनों फ़ोन के बारे में, और हमारी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।